ये रूम था जहाँ पे हम रात सोए। दो डबल बेड वाला कमरा था हमारे पास। नाश्ता यहीं से कर ले पहले। नाश्ता यहीं से कर ले। आज मैं तो कहना कर लेने बैग उधर रखना था भैया। एक टेबल हमारे सामान के लिए माशाल्लाह, और ये एक हमारे लिए। जिस होटल में हम रात रुके थे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इंतजाम था हमारे सोने के लिए। अब देखते हैं कि इनका डाइनिंग जो है वो कैसा है। तो नाश्ता हम यहीं से करके निकलेंगे इंशाल्लाह अपने सफर पे। माशाल्लाह सभी जानशीन हो चुके हैं। नाश्ते में हमारे पास अभी ऑमलेट, अंडा फ्राई और सबसे इम्पोर्टेंट पराठा। पहले लिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इससे पहले कि ये ठंडे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टेबल तो खाली हो गया, अब दूसरे की बारी। इसे भी खाली करो जल्दी जल्दी। और यहाँ पे हमारी खड़ी है साइकिल्स। और ये तो बंद है, ये तो बंद है यार। अल्हम्दुलिल्लाह सफर का आगाज हो गया और निकलते निकलते आज 11 का टाइम हो गया। लड़के सभी आगे जा चुके हैं, पकड़ते हैं हम भी इनको जल्दी जल्दी। आज बिल्कुल गैप नहीं होने देना दरमियान में। अल्हम्दुलिल्लाह गुजर खान से जो है बाहर निकल आए हम, और अब जो रास्ता है वो सीधे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है ऐसे। इस्लामाबाद तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह ट्रैक है जहाँ तक मुझे याद है। ऐसा चढ़ाइयाँ नहीं आने वाली इंशाल्लाह हमारे रास्ते में, तो सुकून से सफर रहेगा आगे। कल हम सारा दिन ये सोचते थे शायद लड़कों में एनर्जी ज़्यादा थी और इसलिए वो 2 घंटे की लीड जो है हम 8 घंटों में भी कवर नहीं कर सके थे। आज उनकी एनर्जी चेक करने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उनका पीछे कोई नामो निशान नहीं है। आज पता क्या बात है? हाँ जी, आज ट्रक्स ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं। ये आपको मतलब ट्रक पकड़ के आते हैं? नहीं, मैंने कहा ट्रक भी खिला लेने थे। वाह मैं क्या भाई हूँ। सुबह हमने चाय नहीं पी थी, अब चाय पीने आए हैं बस। साइकिलें खड़ी कर दी हमने, देखते हैं अब क्या मूड बनाते हैं खाने पीने का और खिलाने का मुझे, क्योंकि इस दफ़ा के मेज़बान हमारे जो हैं वो सदागर साहब हैं, जेब साहब हैं और दिलावर साहब हैं। एक घंटा हो गया मैं निकले हुए बिदर खान से, और तकरीबन सिर्फ 10-11 किलोमीटर का सफ़र किया, और वजह उसकी सिर्फ यही थी कि हमने काफ़ी देर कर दी आज कैसे निकलते निकलते। मेरा तो दिल है कुछ खा भी लें, लेकिन अब देखते हैं टीम क्या कहती है। टीम की काफ़ी सारी जो है मेहनत समाजित करने के बाद चाय के लिए मैंने एग्री कर लिया। इंजॉय करते हैं चाय। वैसे मैं पर्सनली देखता हूँ अगर पराठा मिल जाए तो मैं चाय पराठा खाऊंगा। आप खाओगे साथ? तो फिर अंदर क्यों घुस रहे हो? और ये आ गया जी माशाल्लाह पराठा, खुशबू में बहुत ही मज़ेदार है। और मैंने सिर्फ पराठा कहा था, भाई ने अपने पास से ऐड करके इसे कर दिया देसी घी का पराठा। तो पानी में मुँह तो आ ही रहा होगा। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, इतना चाय पीने चैलेंज लग गया। डन एक गल हो इतो तुम साढ़े तो 15 मिनट बाद रनिंग शुरू करनी है, पहला सानू सबूत चाहिए। ठीक है, ओके हो गया, लग जाएगा पता। एक घंटे के बीच फड़ना तुम तो वेख लगे कि फटते सानू। नहीं सारे चैलेंज किया, चैलेंज ना गलत गल तुहाडी वीडियो दे विच रिकॉर्ड हमेशा कर ही दो, पर फिर भी तुसीं आ गए। टाइम 1:04 हो गए, अब तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी हमने कर ली है और मुझे लग रहा है कि हमजा जो है ना वो अंदर से भाई सुदागर के साथ मिल गया हुआ है। एंड टाइम पे जो है वो वॉशरूम से आएगा। हमजा के इंतजार में इतने लोग खड़े थे वॉशरूम से निकलने में। हम अब निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी एज रूटीन थोड़ा सा पैदल चलेंगे, उसके बाद जो है वो साइकिलिंग करना शुरू करेंगे। देखते हैं कितनी देर में उन्हें पकड़ सकते हैं। इसमें कोई भाग दौड़ वाली, कोई मुकाबलेबाजी वाली नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट। उनके दिल में जो एक बात थी वो भी पूरी हो जाएगी और हमारी भी इंशाल्लाह। मंदिरा टूर प्लाजा हम पहुंच गए हैं। डेढ़ तकरीबन होने वाला,
और अभी तक जो हमारी टीम का कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं कहाँ तक चले गए। खैर हम पूरे दम उन्हें पकड़ने के लिए और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी पकड़ लेंगे। वीडियो बनाते हुए मेरा गिर गया था सेल नीचे, इस वजह से निकल गए सुधाकर भाई आगे। और पूरे एक घंटे से 5 मिनट पहले हम भाई सुधाकर को पकड़ने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 55 मिनट हो गए जी। 55 तो ठीक है, स्लो चलती है मेरे ख्याल से। आ भी गए हो सोने हो अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत ही एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे और वो जो चैलेंज वैलेंज जो भी है वो एक साइड पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम देर से घर से निकले थे उसकी कमी जो है वो पूरी हो गई है। हमने एक घंटे में तकरीबन जो है वो 30 किलोमीटर के करीब सफर कर लिया। अलहमदुल्ला बड़ा मशहूर शॉपिंग मॉल की का हम बिल्कुल हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी। नहीं नहीं वैसे टूर पे निकले हुए जी। हाँ जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह गीगा माल के पास पहुंचे हैं, यहाँ हम अपने बेवकूफ़ साथी को पकड़ने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से। रश कर रहे थे हम यहाँ रुक के, तो यहाँ हमें मिले हैं हमारे एक पुराने दोस्त सैफ रहमान। और सैफ रहमान भी क्या हाल है? ठीक है खैरियत? इनसे मुलाकात हुई थी हमारी मरी में, काफी शुगर लगा था तब भी, और अभी हमें जिद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ चाय पिए। हालांकि बिल्कुल भी जो है वो तलब नहीं थी, लेकिन भाई की जो मेहमान नवाजी और उनका जो मतलब जज्बा था वो देख के हमसे मतलब इनकार नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनके साथ हो गए। चैलेंज वैलेंज जो भी था वो एक तरफ, लेकिन ये यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैंने गेयर ही सही से शिफ्ट नहीं किया हुआ, इसी वजह से मेरा ज्यादा जोर लगा आज, नहीं तो बड़ी देर पहले पकड़ लेना था इनके जवानों को। साइकिल्स होगी पार्क और न्यू कोयटा कैफे, चाय के लिए काफी फेमस है आजकल कोयटा का नाम। टीम हमारी माशाल्लाह बैठ गई सफलो भाई के साथ, इंतज़ार अच्छा आएगा। वैसे टेबल पे बाकी चीज़ों से ज़्यादा हमारे बैग जो होते हैं आजकल। चाय से हो गई और अब इजाज़त लेते हैं सफर रहमान भाई से। ओके साहब भाई बहुत शुक्रिया यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। उस दिन वाली सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई यकीन मैंने। 3:40 हो गए और तकरीबन 2 बजे हम जो है वो यहाँ पे पहुँच गए थे। 1.5-2 घंटे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे जाया किए और यहाँ से हमें जाना डायरेक्ट राजा बाजार, और राजा बाजार यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे, और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मिलती हैं सभी आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट टारगेट है हमारा राजा बाजार। इस्लामाबाद की हदूद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं हमें, लेकिन मज़े की बात यह है यहाँ से जो रोड है तकरीबन उतराई है तो काफ़ी आसानी रहेगी हमें, मज़े से जाएंगे। और भाई सुधाकर उस वक्त से सोच रहे हैं कि यार इस रोड पे आके चैलेंज करना चाहिए था, एम ही मैंने पीछे से कर लिया। गलती हो गया। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। साइकिल हमें खड़ी कर दी है फुटपाथ पे, वैसे ये पार्किंग का काम आ रहा है, पता नहीं अब फुटपाथ है कि नाले का कवर ही है। खैर हम यहाँ पे अब रुक खाना भी ना करने लगे हैं, क्योंकि खाना खाए काफ़ी टाइम हो गया, 3 से ऊपर टाइम हो रहा होगा, भूख काफ़ी लगी हुई है। हमें जाना है अभी राजा बाजार, वो जो काम था वो तो बाकी अभी पेंडिंग पे। भूख क्यों लगी हुई? हम सोच रहे थे इस टेबल को यूज़ करेंगे अपने बैग वैग रखने के लिए, लेकिन मतलब हमारी दाल नहीं गली, हमें कोई भी 2 टेबल जो है वो खाली नहीं मिले, तो अब आखिरकार हमने बैग्स अपने नीचे रखे हैं। अब ऑर्डर देते हैं कुछ खाने पीने का। आज का ऑर्डर जो है वो ज़ुएब साहब देंगे,
तो देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने को। इसका भी ऑर्डर नहीं आएगा भैया, ऑर्डर ना ऑर्डर ना दे ना ऑर्डर में से कोटा के लिए दाल मांस तो दाल चना मैं आज ऑर्डर दांगा ना। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो। मैंने कहा हमें गोटा के लिए थी दाल माश दाल चना दो दो, ये दोनों और एक दो चना और एक दाल माश। हाँ जी हाँ जी। ऑर्डर चेंज हो गया? ऑर्डर चेंज हो गया। कश्मीर भाई आपने क्या देखा था? अच्छा कुछ देखा, फौजी है ना, फौजी चाचू मोटू को पकड़ के ले जा रहा था, पीछे असद था, आज ये भी निकल गया था। और ये किस जगह देखा था भला आपने? ये पी एस ओ पंप के पास। सही हो गया। इस्लामाबाद पहुँचने से पहले यहाँ पे रुके हैं और खाना शाना जो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, खाने के बाद आ चुके हैं चाय। और यहाँ हमारे बहुत ही प्यार वाले काशिफ भाई हमें मिलने आए हैं। यकीन मैंने काशिफ भाई बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, आपसे मिल के अल्हम्दुलिल्लाह। और काशिफ भाई ने जो हमें मिलने के लिए यकीन मैंने जो रुदात बताई है ना, वो क्या कहता है, दिल जीत लेने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हो गया, बड़ा मज़ा आया काशिफ भाई से बातचीत करके। और सबसे मज़े की जो बात हमें सुनने को मिली है आज, वो ये प्यार मेरा तुम्हारा था मामे भांजे का जो प्यार हमें देखने को मिला, नहीं सुनने को मिला, सुनने को मिला, देखने को मिला, हर भांजे मामे का। और हमारी जीपीएस आंटी जो है उस वक्त से कह रही है जल्दी चलो, सिर्फ 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर रह गया, 15 मिनट नहीं आप दे पा रहे अपने ट्रैवल को। असद भाई को लोगों ने घेर लिया साइकिल देख के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है खैरियत? हाँ, की सवाल थी? क्या सवाल था? कह रहे थे कि हम भी गुजरा वाले के। माशाल्लाह, कहाँ से हो भाई? पिंडी पहुँच चुके हैं हम और यहाँ से कोई 5-7 मिनट में राजा बाजार इंशाल्लाह अपने आज के टास्क जो है वो मुकम्मल करेंगे। राजा बाजार पहुँच गए हम अपने उसी दोस्त के पास जिनसे हमने लास्ट टाइम काफ़ी सारे मशवरे और काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली थी। सलामुअलैकुम, क्या रहा सीधे कैसे? अल्लाह का शुक्र दुआएं अल्लाह सुने। भाई सौदागर को जो है हेल्प चाहिए। भाई सौदागर क्या कह रहे हैं? एक बंदा बोलिए बैग ला यार, एक बंदा ना रख रख है ऐसे गल तो मैं जना तो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइकिल की जो है वो चेकिंग वेकिंग जारी है, अल्लाह करे कोई काम जो है वो जुगाड़ अच्छा बन जाए, वरना खर्चा जो ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि प्ले उसमें भाई कह रहे हैं कि काफी ज्यादा हो गई। कम हो गई ले पहले से? थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी और कम हो गई तो बस। साइकिल का काम जो है वो जारी है और शाकिर भाई ने हमारे लिए मंगवा लिया जी चाय। ले बॉस चुस्की लगाई। भाई साहब भाई दिलावर भाई से दुआ कर को दें। उस्ताद जी को पढ़ा सही भाई पिए? अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वाला टायर जो है सईद भाई ने बिल्कुल फिट कर दिया। फिर भाई आगे वाली जो शिफ्टिंग है ना वो भी ऊपर वाली नीचे से ऊपर वाली साइड को नहीं आ रही सही। अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल हमारी की सेटिंग जो है मुकम्मल हो गई है और हमने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल लिया। अल्लाह का शुक्र है कि एक चीज़ कोई भी इसकी चेंज नहीं हुई, सस्ते में काम निपट गया और अब दूसरा मरीज जो है वो अंदर जा चुका है। ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया साइकिल भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से अल्लाह हाफिज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइकिलों का काम जो है वो मुकम्मल हो गया सभी का और निकलते हैं अब कमरे की तरफ। होटल में पहुँच चुके हैं, बढ़िया रूम माशाल्लाह। हमें मैट्रेस कितने देंगे अब यहाँ पे? हाँ चलो वो आ रहे हैं पीछे पेमेंट भी करते हैं। तो होटल वाले भाई का मशवरा था कि हम बालकोनी में जो है वो साइकिलें खड़ी कर लें, उसके लिए हमने ये कॉर्नर खाली किया सोफा वगैरह इधर निकाल के। जब ये शीशा खुला है ये भी हमें हर्डल लग रही थी कि खिड़की से बाहर, मगर वो भी हमने इसी तरह खुद को मना लिया कि चलो यार कर ही लेते हैं। लेकिन ये सीन देखिए आप, वाह यहाँ पे खड़ी करेंगे तो हमें सिर्फ जहमत ही मिलेगी सीढ़ियों से ऊपर लेके आने की, सीधी नीचे। ये असल में ये जगह थी जहाँ पे खड़े करने थे, मगर मिसकैलकुलेशन हो गई, वो जो बंदा हमें गाइड करने आया था वो थोड़ा नया। ये जगह खुली डुली है और जहाँ पे सारी की सारी साइकिलें हम डेरी भी लगा सकते हैं।
वाह क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही सेफ जगह मिल गई साइकिलें खड़ी करने के लिए, और सामने का नजारा माशाल्लाह क्या कहने, तारे ही तारे। फिलहाल हमें जाना है खाना खाने, तो इंतजार है भाई दिलावर का, वो थोड़ा सा फ्रेश होने गए हैं, वो आते हैं तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं होटल खाने के लिए। बोटियां बोटियां मेरी, बाकी सारा आपका। यार ये कितने कितने समझदार ने पता था मुझे भूख लगी हुई है। प्रैंक प्रैंक भाई मिल जाएंगे 2 किलो आधा किलो के 1 किलो किस्मत थोड़ी कितने थोड़ा रक्षा जाके चलाओ नहीं होंगे माशाल्लाह। दूसरी प्लेट भी साफ हो गई है, लेकिन जो मजा आखिरी चम्मच में है ना, यकीन माने कि उस पूरी प्लेट में नहीं होता। ये रिएक्शन और इशू, ये आज सुबह से मेरे हाथ में तोड़ दिया ना गिलास भाई को, खाना नहीं मिला भाई ने गिलास तोड़ दिया। नहीं यार गुस्से से नहीं तोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह खाना जाना हो गया और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो माशाल्लाह जी चाय भी आ गई, आ गई थी चाय, और चाय के अलावा हमें यहाँ पे एक हमारे चाहने वाले मिले आजाद भाई। और आजाद भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन ये है नौजवानों को और एनर्जेटिक करें।